गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारी इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल्स का। प्रीवियस लेक्चर में हमने करवाया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर बल्ब को जोड़ दिया जाए या किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या आता है, अफेक्टिव पावर कितनी निकल के आती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ ताकि इसके साथ लिंक बना रहे आपका। देखिए हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पावर फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, हमने ये टॉपिक करवाए थे। पावर के हमने बहुत सारे फॉर्मूले निकलवाए थे। पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला यही था। उसके बाद पावर का फॉर्मूला ये भी आया था हमारे पास, पावर का फॉर्मूला ये भी आया था, ठीक है, और पावर का फॉर्मूला ये भी आया था। ये तीन चार ऐसे इंपॉर्टेंट पावर के फॉर्मूलाज है जो न्यूमेरिकल्स में हम यूज करने वाले हैं। फिर मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बनाया था कि एनर्जी इज नथिंग बट इट इज ए वर्क डन। तो वहां से हम निकाल सकते हैं पावर इनटू टाइम, एक फॉर्मूला तो हमारा ये बना था। दूसरा पावर की वैल्यू हम यहाँ पे अगर पुट कर दें तो वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला ये भी बनता है। पावर की वैल्यू अगर मैं, ये जितनी भी वैल्यूज अगर मैं पी की जगह पुट करता जाऊँ तो बहुत सारे फॉर्मूला यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है, आई स्क्वायर आर डी, ठीक है। तो पावर से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्मूलाज हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आता है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन की अफेक्टिव पावर का रिजल्ट आता है एंड लाइक दिस, ठीक है। और इसमें हमने क्या देखा था कि पावर सीरीज के अंदर अगर कनेक्शन हो तो आई कांस्टेंट होता है। मैं जस्ट रिकॉल करवा रहा हूँ, अगर आपको डीपली स्टडी करनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी का। वहाँ पे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशंस प्रूव करवाए हुए हैं। तो रिजल्ट ये निकल के आता है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस अगर मैं जोड़ता चला जाऊँ, तो इसमें हमने देखा था कि सीरीज के अंदर करंट कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, आई कॉन्स्टेंट, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रिजल्ट क्या आया था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आया था हमारा P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू PN तक। और इसमें हमने देखने को मिला कि पोटेंशियल यहाँ पे कॉन्स्टेंट होती है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये कॉमन सी ये रिजल्ट हैं जो हमारे माइंड में याद रखने हैं। इतना हमने 10th क्लास में भी नॉर्मल पढ़ा था ये फॉर्मूले, इनके बारे में हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। आज हम करवाएंगे इनके ऊपर बेसिक से और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल तक हम स्टेप वाइज बढ़ते चलेंगे। तो पहला जो न्यूमेरिकल है हमारा, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल उठा के लाया हूँ स्टार्टिंग से। सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि एक हीटिंग एलिमेंट मार्क 210 वोल्ट, 210 वोल्ट उस पर लिखा आया। कोई भी एक हीटिंग एलिमेंट मार्केट से हम परचेज करके लाए और उसके ऊपर 210 वोल्ट लिखा हुआ है, वोल्टेज कितनी है 210 वोल्ट, और 630 उसकी पावर वाट लग रही है, तो ये हो गई हमारी पावर। What is the current drawn by the element? इसमें से हमें I find out करना है, and when connected to 210 volt, मान लीजिए कोई भी heating element मैंने ये ले लिया, और इसको जोड़ रखा है हमने 210 volt से, और इसकी जो power है वो है 630, और इसकी जो voltage है, अब यहाँ पे आप confusion होगा आपके mind में कि 210 ही तो इसको मिल रही होगी, मिल तो रही है, बट ये काम किस, ये जो देखिए 630 वाट जो पावर देगा ना हमें, वो 210 वोल्टेज पर ही देगा। ये ऑलरेडी मार्क्ड आता है, आप कोई भी चीज परचेज करोगे मार्केट से, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, घरेलू उपकरण, कोई भी बिजली का अगर आप खरीद के लाओगे तो उस पर आप देखोगे पावर के साथ साथ उसकी वोल्टेज भी लिखी रहती है। अगर उस पर 100 वाट लिखा मिलेगा और वोल्टेज मिलेगी 220, तो वो 100 वाट पावर तभी कंज्यूम करेगा, तभी वो देगा, डिसिपेट करेगा जब उसको 220 वोल्ट पर कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ध्यान से देखना, आप कुछ भी नहीं करना, V
वी दे रखा है, पी दे रखा है, आई पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वहां से, पी अपॉन वी दैट इज 210630 कैंसिल आउट, ओके 1/3 एम्पियर। क्लियर है, यही पूछा था। अच्छा रेजिस्टेंस और पूछ लिया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, ओम्स लॉ वी अपॉन आई, वी कितना दे रखा है 210 और करंट कितना दे रखा है 1/3, 3 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 60। क्लियर, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? उल्टा कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से प्लीज देखिएगा ये, ठीक है। ये हमने उल्टा लिख दिया, ये देखिए आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन वी, पी 630 है, मैंने 210 लिख दिया था, थोड़ी ध्यान से करना आप भी कि 630 और वोल्टेज कितनी है 210, दिस इज 3 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो वी अपॉन आई, वी कितना है 210 और आई कितना आया, ये आ जाएगा 70 ओम रेजिस्टेंस। क्लियर है, तो बच्चों बहुत ही ध्यान से करना, बेसिक से लेके आ रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, स्टेप वाइज हम बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इनको मैं मिटाऊंगा नहीं क्योंकि इनका यूज होता रहेगा, तो ये देखते रहिएगा। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, चलो ये देखते हैं। एक हीटिंग कॉइल है इज रेटेड, अब देखिए एक पावर रेटिंग नाम का एक टॉपिक आता है, पावर रेटिंग का मतलब होता है जो आप मार्केट से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को परचेज करके लाओगे ना, तो उसके ऊपर एक मार्क्ड वोल्टेज लिखी रहेगी, ठीक है। यानी वो जो भी उपकरण आप लेके आओगे वो उसी वोल्टेज पर काम करेगा, अगर उतनी ही वोल्टेज उसको कनेक्ट किया जाएगा तो ही वो उतनी पावर डिसिपेट करेगा, ठीक है, दिस इज द पावर रेटिंग। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक एक हीटिंग कॉइल है और 100 वाट उसकी पावर है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट गिवन कंडीशन लिख रहा हूँ, बाकी आपके नोट्स मिल जाएगा वहां से आप देख लेना। मैं आपको बोल देता हूँ कि एक हीटिंग कॉइल है उसकी यहाँ पे गिवन है पावर, गिवन है 100 वाट, वोल्टेज गिवन है 200 वाट, इट इज कट इट टू। हाँ जी, अब देख मैं वो क्या कह रहा है कि इस क्वाइल को उन्होंने कट कर दिया दो हिस्सों में। मान लीजिए ये क्वाइल थी लाइक दिस, इसको दो हिस्सों में कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद इन्होंने इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया सेम सोर्स के साथ, इसी वोल्टेज के साथ, इतनी ही वोल्टेज के साथ हमने इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में आपको एनर्जी निकालनी है पर सेकंड, एनर्जी लिबरेट पर सेकंड। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान से करना। सबसे पहले तो देखो P और V गिवन है, तो यहां से R आप निकाल सकते हो, इस कंबिनेशन इस पूरे का, इस पूरी कॉइल का आर निकाल सकते हो। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, वी और पी गिवन है, वी और पी गिवन है, आर फाइंड आउट करना है, ये वाला फॉर्मूला सुटेबल रहेगा। तो आर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वी स्क्वेयर अपॉन पी, दैट इज 200 स्क्वेयर अपॉन 100 400 ओम, इस पूरे का 400 ओम रेजिस्टेंस आया। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा तो 200 ओम और 200 ओम इस अलग अलग हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस ऑफ ईच क्वाइल 200 ओम और इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो ध्यान से देखिएगा, लाइक दिस। तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 200 और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है 200, इतना काम आ गया आपको करना। अब आप अफेक्टिव रेजिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हो, अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपको मालूम होना चाहिए, पैरेलल में कैसे सोल्व किया जाता है, 200 इंटू 200 अपॉन 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, ये 40,000 अपॉन
ये 100 ओम। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस तो आ गया 100 ओम, और रेजिस्टेंस वोल्टेज दे रखी है 200 वोल्ट। और फाइंड आउट क्या करना है, एनर्जी लिबरेट पर सेकंड, एनर्जी लिबरेट पर सेकंड। अब कई बच्चे तो एनर्जी निकाल के आ जाएंगे, एनर्जी लिबरेट पर सेकंड। ये देखिए वर्क डन क्या होता है, यही एनर्जी होती है। एनर्जी लिबरेट पर सेकंड क्या कहलाएगा, पावर। तो बहुत ही ध्यान से देखना, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो पावर का फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो वी आपको मालूम है, आर आप निकाल चुके हो पूरे कॉम्बिनेशन का, वी और आर आपको मालूम है, तो पावर का ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, वी स्क्वेयर बाई आर। तो कितना हो जाएगा, वी कितना है 200, और आर कितना है आपका 100, 400 वाट। ठीक है, एनर्जी पूछी है, एनर्जी लिबरेट पर सेकेंड, तो आप इसमें जूल लगा सकते। तो बड़ा ही सिंपल सा ये न्यूमेरिकल था दूसरा हमारा, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहूंगा जरूर इसको मैं, तो इस तरीके से भी एलिमेंट को आप डिवाइड करके पैरेलल या सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, उस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं, पॉज करके खुद सोल्व करने की कोशिश किया करो। चलिए नेक्स्ट आता है, इसमें एक बल्ब है आपके पास और उसकी पावर दे दी 100 वाट, और वोल्टेज दे दिया 230 वोल्ट। इफ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप टू 115 वोल्ट, अगर ये वोल्टेज ड्रॉप होके 115 पे आके रुक जाती है, तो व्हाट इज द हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब इन 20 मिनट्स। टाइम दे दिया 20 मिनट। क्लियर, लाइट और हीट एनर्जी पूछी, कैलकुलेट द करंट ऑल्सो, करंट भी उसने पूछा है और हीट एनर्जी भी पूछी है। करें स्टार्ट। चलिए बहुत ही ध्यान से देखना इसको, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, एक बल्ब की बात हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको जोड़ा गया है 230 वोल्टेज के साथ, और इस बल्ब की पावर कितनी है 100 वाट। तो यहां से आप इसका रेजिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए आर इज इक्वल टू, देखो जब भी पावर गिवन हो, वोल्टेज गिवन हो, तो रेजिस्टेंस आप पहले ही निकाल लिया करो, क्योंकि रेजिस्टेंस हर एक फॉर्मूले में रेजिस्टेंस बड़ा काम आता है पावर के साथ। तो आर कितना हो जाएगा, आर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वेयर अपॉन पी। इस फॉर्मूले से यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होने वाला है न्यूमेरिकल के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, 230 अपॉन व्हाट इज पी, दैट इज 100, दैट इज ये क्या आ जाएगा आपका, बाकी देख लेना कुछ अगर मिस्टेक हो तो। ठीक है, आर आ चुका है। अब देखिए हीट एनर्जी फाइंड आउट करनी है, हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी फाइंड आउट कैसे करोगे आप, रेजिस्टेंस आपका आ चुका है 529, वोल्टेज ड्रॉप हो गई है 115 में, वोल्टेज ड्रॉप हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है 115 में। तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये सारी की सारी एनर्जी के फॉर्मूले हैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करोगे। आर आपके पास है, वी आपके पास है, और टी भी आपके पास है, क्योंकि एनर्जी के लिए टी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर एक फॉर्मूले में टाइम यूज हो रहा है। तो टाइम हमारे पास है, वी हमारे पास है, और आर हमारे पास है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी। चलिए फटाफट कर देते हैं, वी स्क्वेयर आर इंटू टी
सॉरी, 115 115 रेजिस्टेंस 5 to 9 इनटू टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को सेकंड में डिवाइड करोगे तो 60। कंप्लीट को जब आप सॉल्व करोगे तो हीट एनर्जी है तो पीछे क्या लगाओगे, जूल। इसको आप और भी ज्यादा मॉडिफाई कर सकते हो, 30 किलो जूल या 30,000 जूल कह लो या 30 किलो जूल कह लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक हो गया हमारा। अब उसने एक चीज और पूछी है, करंट भी वो फाइंड आउट करवा रहा है। तो करंट का फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है, और ये करंट का फॉर्मूला कब फाइंड आउट करवा रहा है, जब वोल्टेज ड्रॉप हो चुकी है। तो करंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, वी अपॉन आर होता है। तो कौन सी वी का यूज करोगे, 115 रेजिस्टेंस 5 to 9, तो निकाल लेना इसको सॉल्व कर। तो तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल ये था कि वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद में, यहाँ भी दो केस लग रहे हैं कि पहला जो केस है उस केस से हमेशा और हमेशा हर न्यूमेरिकल में आप रेजिस्टेंस पहले ही निकाल लिया करो, कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, टाइम पीरियड गिवन था, हीट एनर्जी पूछी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, इसमें एक मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक मैं कवर कर देता हूं कि ये जो वोल्टेज है और ये जो पावर गिवन है बल्ब की, ये मार्क्ड है। मार्क का मतलब, जब इस बल्ब को मैं लेके आया ना मार्केट से, तो इस पे साफ तौर पे लिखा था कि पावर इज इक्वल टू 100 वाट और वोल्टेज इज इक्वल टू 230 वोल्ट। अगर इस बल्ब को 230 वोल्ट से ही कनेक्ट करोगे ना, तो ही ये 100 वाट की पावर को डिसिपेट करेगा, लिबरेट करेगा, बाहर निकालेगा, और उसी के दौरान ये चमकेगा, उतना ही ब्राइटनेस। और वो आगे के न्यूमेरिकल्स में हम कवर कर लेंगे, अभी सिर्फ हमारा मकसद यही है कि अगर मार्क लिखा आ जाए तो उसी पे वो काम करेगा। तो इसीलिए मैंने 230 वोल्ट लगा दिया यहाँ पे। क्लियर है? तो पजल होने की जरूरत नहीं, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कंसल्ट कर लेना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये तीसरा टाइप था। चौथा टाइप इस टॉपिक का देख लेते हैं फटाफट। देखिए, टू हीटर आर मार्क, यहां पे दो केस हैं, मैं पहले बता देता हूं। मान लीजिए एक हीटर ये है और एक हीटर ये है, इसकी पावर वोल्टेज ये गिवन है। ठीक है, दोनों की गिवन है 200 वोल्ट 300 वाट 600 वाट, मतलब ये 300 वाट पावर डिसिपेट लिबरेट कब करेगा, जब इसको 200 वोल्ट से कनेक्ट किया जाएगा, और ये 600 वाट लिबरेट कब करेगा, जब इसको 200 वोल्ट चाहिए, यानी सोर्स का काम करेगा। ठीक है, ये गिवन है। इसके बाद क्या कहा है इन्होंने कि इफ द हीटर आर कंबाइंड इन द सीरीज एंड कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू द 200 वोल्ट डीसी वोल्ट, व्हिच हीटर इज मोर हीट। ये बताना है कि कौन सा हीटर ज्यादा हीट पैदा करेगा, विच हीटर विल प्रोड्यूस मोर हीट। तो मैंने आपको ये बताया था जब गिवन कंडीशन पी और वी आपको हर बार मिलेगा, तो आप आर निकाल लेना, यहां से R1 और यहां से R2। तो यहां से R1 आप निकाल सकते हो, R का यही वाला फॉर्मूला यूज होगा, V स्क्वायर अपॉन P, यहां भी V स्क्वायर अपॉन P, दोनों एक साथ करवा रहा हूं ताकि क्लियर होता जाए। R1 कितना हो जाएगा, 200 into 200 upon 300, cancel out, कितना हो जाएगा R1, 400 by 3 ohm, इसको solve करते हैं, 200 into 200 upon 600, कोई दिक्कत, uh, 200 by 3 ohm। ये देखिए, अब वो कह रहा है कि इन दोनों हीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए, ये सीरीज में, और इनको जोड़ दिया जाए 200 वोल्टेज की सप्लाई के साथ। तो बड़ा सिंपल सा है, अफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा,
ये तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो इसको जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 600/3 ओम। क्लियर है? अब उसने हीट एनर्जी पूछी है, तो भैया हीट एनर्जी के लिए हीट एनर्जी टाइम पीरियड का कोई रोल ही नहीं दे रखा यार। एक चीज और देखते हैं इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं है। विच हीटर विल, ओके ओके ओके, पावर हमें फाइंड आउट करनी है भाई। जिसकी ज्यादा पावर होगी, ज्यादा पावर को निकालेगा उतना ही वो हीट पैदा करेगा, ये बात याद रखना। तो दोनों की पावर फाइंड आउट करनी है, तो पावर के लिए तो क्या चीज की जरूरत होती है? अगर मैं पावर निकालना चाहूं दोनों का अलग अलग, देखो आप ये मत कहना कि पावर तो सर गिवन है। अरे ये गिवन थी लेकिन कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन से पहले अलग अलग थी, अब कंबाइन हो चुकी ना, तो कंबाइन होने के बाद की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसको सोल्व कर लेते फटाफट। हाँ वी वी चाहिए, वी अलग अलग दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है, आपको मालूम होना चाहिए सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है, आई कांस्टेंट होता है। तो करंट और निकाल लेते हैं फटाफट। करंट का फॉर्मूला होता है वी अपॉन आर। वी कितना है 200 वोल्ट, आर कितना आया 600/3, तो कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा, ये 200 ही आएगा, कैंसिल आउट करके 1 एम्पियर करंट आ गया। अब बड़ी इजीली आप निकाल सकते हो पावर, यानी पी डैस कितना आएगा, फटाफट निकाल दीजिए पावर। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वेयर आर वन, आई दोनों में सेम जाएगा, वन वन का स्क्वेयर वन कह लो। आर वन कितना है पहले वाले का 400/3, आंसर कितना आएगा यही आएगा। और P2 कितना आ जाएगा, I स्क्वेयर R2, I कांस्टेंट है 1 का स्क्वेयर, R2 कितना है, ये कितना आया। तो साफ तौर पे मालूम चल रहा है पहला वाला जो हीटर है उसकी पावर दूसरे वाले से दुगनी है। अरे पहले वाले हीटर की पावर दूसरे वाले से दुगनी है, 400/3 आ रही है, 200/3 आ रहा है, तो पावर इसकी ज्यादा है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा। कौन दिखाएगा, कौन किसकी पावर ज्यादा लिबरेट होगी, कौन ज्यादा हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा, तो वो है फर्स्ट केस। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हो इसमें लास्ट में कि भैया कॉम्बिनेशन के बाद हमने जब पावर निकाली तो पावर देखने को हमने मिला कि जो पहले वाला जो केस था ना वो ज्यादा बड़ा है पी टू से। कितना बड़ा है, पी वन क्या है, दुगना है पी टू से। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट हीटर लिबरेट मोर हीट, ये आपका फोर्थ केस था, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स। तो बहुत ही सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है अभी तक, देखो इतने सारे फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं, अभी तक कॉमन फॉर्मूला यही यूज होता आ रहा है, कॉमन बातें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इतना नहीं आया है, कॉमन चीजें पैरेलल की, कॉमन चीजें सीरीज की आई हैं। अभी हम देखते हैं कि एक बल्ब है, एक बल्ब है जिसकी पावर दे रखी है इन्होंने 24 वाट, ठीक है, और इन्होंने बोला है इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और पावर पूछी है, पावर फिर से पूछी है। अगर इसको इफ इट कनेक्ट टू 6 वोल्ट सप्लाई, देखिए उस बल्ब की पावर 24 वाट उस वक्त है जब 12 वोल्ट से वो कनेक्ट है। अगर मैं उस बल्ब को वहां से हटा के अगर 6 वोल्ट से कनेक्ट कर दूं तो पावर बताइए। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने पहले भी आपको बोला था जब पावर और वोल्टेज गिवन हो तो आप रेजिस्टेंस निकाल लिया करो, बड़ा काम आता है आर। आर कितना होगा, आर का फॉर्मूला क्या होता है,
वी स्क्वेयर अपॉन पी, वी स्क्वेयर है 12 अपॉन 12 अपॉन 24, ये हो जाएगा आपका 6 ओम। अब यही रेजिस्टेंस तो इसका रेजिस्टेंस होगा। अरे क्योंकि बल्ब तो चेंज नहीं किया ना, वोल्टेज ही तो चेंज की है, और बल्ब के अंदर जो वायर लगी होती है उसी का रेजिस्टेंस कितना आया है, 6 ओम। तो मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस तो वही रहेगा 6 ओम जो फर्स्ट केस का था, और वोल्टेज कितनी है 6 वोल्ट, और पावर उसने पूछी है, पावर का फॉर्मूला वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों, v स्क्वायर है 6 × 6, ये है 6, कितना आया 6 वोल्ट। तो याद रखना, जब इस बल्ब को 12 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा था तो पावर आई 24 वाट, और इस बल्ब को 6 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे तो पावर भी कम हो जाएगी, 6 वोल्ट की कम हो जाएगी। तो रोशनी कहां ज्यादा होगी, रोशनी यहां पे, सॉरी वाट कहां, पावर किसकी ज्यादा यहां पे, तो पावर ज्यादा लिबरेट तो ज्यादा ब्राइटनेस भी वहीं पे होगी। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स और करवाते हैं इस तरीके के, तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ी इंक डाल लेते हैं, हर एक टाइप के एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स करवाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान देना, बाकी सारे आपको लगभग लगभग नोट्स में मिल जाएंगे, पजल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें आपके लिए लाए हैं हम, देखिए अभी अभी जो मैंने न्यूमेरिकल करवाया यहाँ पे, ठीक है, अभी अभी जो न्यूमेरिकल मैंने करवाया कि दो बल्ब थे, ठीक है, पहले की पावर और वोल्टेज गिवन थी, दूसरे की वोल्टेज गिवन है, मतलब एक ही बल्ब को अगर अलग अलग वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाए और आपसे पूछे कि भैया बताओ चमकेगा ज़्यादा कौन, तो आपको क्या करना है, आपको पावर निकालनी है, पहले वाले की तो पावर गिवन है, दूसरे वाले की पावर आप निकाल लेना। इसी तरीके से अभी अभी करवाया मैंने न्यूमेरिकल, तो वहां से आपको मालूम चलेगा कि जिसकी पावर ज्यादा वो ही ब्राइटनेस ज्यादा शो करेगा। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस, ये रिमेंबर, ये याद रखना, ये लिख लो कहीं भी आप अपने नोट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइट, जितनी ज्यादा पावर होगी, होगी नहीं लिबरेट करेगा, जितनी ज्यादा पावर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाहर निकालेगा पर सेकंड, उतना ही ज्यादा वो चमकदार, ज्यादा रोशनी देगा हमें, तो ज्यादा पावर ज्यादा ब्राइटनेस। तो कभी भी ब्राइटनेस और डिम वाले न्यूमेरिकल आ जाएं तो हमेशा इसी तरीके का करना, ये पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस वाला सिस्टम हमेशा याद रखना। ठीक है, अभी हम एक दो न्यूमेरिकल और करवाएंगे और टॉपिक को फिनिश करते हैं। सीरीज कनेक्शन के मैं करवाता हूँ आपको कि तीन बल्ब है आपके पास और तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है 100 वाट 50 वाट 20 वाट। तो क्या होगा, इसको इन्होंने कनेक्ट कर दिया है 220 वोल्ट के साथ, ये इसकी कॉइल है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है कि विच बल्ब है हायर पावर, अब यहां से आपको मालूम चल जाएगा कि किसकी पावर ज्यादा है और कौन ज्यादा चमकेगा, बताइए। अब आप ये मत बोलना बच्चा कि सर ज्यादा पावर तो इसकी है तो ज्यादा तो यही चमकेगा, अरे बच्चों सीरीज कनेक्शन है, वोल्टेज जो 220 है वो इसको अलग मिलेगी, इसको अलग मिलेगी और इसको अलग मिलेगी। ठीक है, याद रखना हमेशा। तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं सबका, R1 R2 R3, R1 का फॉर्मूला V² / P, V² कितना, मैंने अब ध्यान से देखना, अब आप कहोगे सर वी कहाँ जाएगी, अरे मैंने बोला कि यार बल्ब 100 वाट लिख रखा है ना, तो ये हमेशा 100 वाट कब देगा, जब 220 वोल्ट से ये कनेक्ट होगा। ये 50 वाट कब देगा पावर, जब ये 220 वोल्ट से, और ये 20 वाट पावर कब देगा, जब ये 220 वोल्ट से। इंडिया के अंदर वोल्टेज सप्लाई कितनी होती है 220 वोल्ट, याद रखना, और आउट ऑफ कंट्री जैसे यूएसए वगैरह में है वहां पे 110 वाट 110
110 वोल्ट सॉरी की वोल्टेज सप्लाई होती है, तो वहां के अप्लायंसेज 110 पर काम करते हैं और हमारे यहाँ के अप्लायंसेज 220 वोल्ट पर काम करते हैं। तो याद रखना, तो ये हो जाएगा 220 × 220 पावर कितनी 100, कैंसिल आउट 484 ओम लाइक दिस। ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज सेम है दोनों की, सबकी सेम है वोल्टेज क्योंकि 220 पर ही काम करेंगे। अगर हम पावर 100 ले रहे हैं तो वोल्टेज 220 ही ली जाएगी क्योंकि 100 वोल्ट पावर 100 वाट पावर 220 वोल्ट पर ही देगा वो, ये हमेशा याद रखना। और अपॉन P2 कितना है 50, इसको जब आप सोल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, 968 समथिंग आएगा। अगर आप नहीं करोगे तब भी आप डायरेक्टली बता सकते हो क्योंकि ऊपर का नोमिनेटर तो सेम चलेगा सब में, डिनोमिनेटर चेंज होता जाएगा तो वहां से आप इजीली बता सकते हो। और इसमें कितना हो जाएगा 220 × 220 / 25। अब यहां से साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। अब आएगा मजा, यहां देखिए जरा ध्यान से कि ये कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन का रिजल्ट आता है ये, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा पावर उतनी ही ज्यादा, यानी रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा पावर डिसिपेट भी वही बल्ब ज्यादा करेगा। R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, देयरफॉर P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। और मैंने आपको ये बताया था अभी अभी बच्चों कि जितनी ज्यादा पावर होगी उतना ही ज्यादा ब्राइटनेस शो करेगा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो पावर किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा पावर है, कॉम्बिनेशन में इसकी पावर ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा चमकेगा। ये 20-25 लगा रखा है या 25 है, ठीक है, तो ये बल्ब सबसे ज्यादा चमकदार है, ब्राइटनेस ज्यादा शो करेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। एक लास्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का, फटाफट इसको सोल्व करते हैं। बिल्कुल इसका वाइस वर्सा है, ज्यादा चेंज नहीं करेंगे हम। देखिए इनको मैंने सीरीज में जोड़ दिया भैया, सेम है 100 वाट 50 वाट 25 वाट। तो सबसे पहले मैंने तो पहले ही बता रखा भैया रेजिस्टेंस निकाल लिया करो, रेजिस्टेंस इसका कितना आएगा बच्चों, ये 220 से कनेक्ट, ये 220 नहीं दे रखा तो समझ जाया करो 220 इंडिया के अंदर, 220 × 220 अपॉन कितना है, कितना है पावर कितनी है 100, तो इतना ही आ जाएगा 484 ओम। R2 कितना आ जाएगा सेम 50 वाट, ये आ जाएगा आपका कितना करवाया था देख लेना भाई सोल्व करके, ठीक है ना। सोल्व करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये 25 आएगा 9। तो यहां से मालूम चल रहा है R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, बट In parallel combination, ये देखिए parallel combination के अंदर resistance और power inversely proportional vary करते हैं, तो जिसका resistance ज़्यादा उसकी power सबसे कम, therefore P1 is greater than P2 is greater than P3, और जिसकी ज़्यादा power उतना हो ही सबसे ज़्यादा brightness effect show करेगा। तो power इसकी ज़्यादा है तो ये वाला bulb सबसे ज़्यादा चमकेगा, याद रख। This is the numericals of related to the electric power and electric energy. हर एक टाइप का एक numerical लिया है, series connection और parallel connection पे ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी इसके अलावा भी दो चार numerical और NCERT के वो आपके notes में provide हो जाएंगे बहुत ही जल्द। आई होप क्लियर हो गए होंगे, कंसेप्ट को आप समझिए, पहले ये वाली वीडियोज देखिए मेरी, उसके बाद आपको numerical क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, खुश रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।